अंतर्राज्यीय ट्रक गठान चोर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 1,20,00,000 की कपास गठानों के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। एसपी ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया है। पुलिस ने कॉटन गठान चोरी के शातिर गिरोह के 7 सदस्यों को बलवाड़ा थाना क्षेत्र से चोरी हुए ट्रक के मामले में तस्दीक के दौरान पकड़ा है। आरोपितों के कब्जे से 4 ट्रक में भरी 1,20,00,000 रुपए की 250 गठान रेकी में इस्तेमाल की गई 2 कार, 7,19,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। एसपी ने बताया, गैंग का मास्टरमाइंड तौसिफ है, जो साथियों के साथ ऐसे ट्रक मालिकों या ट्रांसपोर्टर के संपर्क में रहता था जिनके ट्रक पुराने और खराब होते थे। इन ट्रक में व्यापारियों का माल राजस्थान गुजरात ले जाने के लिए निकलते और रास्ते में कॉटन बदल कर ट्रक में आग लगा देते थे। इससे इंश्योरेंस भी ले लेते और चोरी की गई गठान बेचकर मुनाफा कमाते थे। बलवाड़ा से चोरी ट्रक झाबुआ के ग्राम मोहनकोट में बरामद हुआ था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गैंग को गिरफ्तार किया है। एक ट्रक गुजरात पुलिस को अभिरक्षा में दिया जाएगा। आरोपियों से गुजरात से चुराए ट्रक की 150 गठानें भी बरामद हुई हैं। आरोपियों पर पूर्व में भी अलग अलग थानों पर अपराध दर्ज है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। थाना प्रभारी करही, थाना प्रभारी बलवाड़ा की संयुक्त टीम ने इस विशेष ऑपरेशन में इंटरेस्टेड गैंग के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खरगोन के बलवाड़ा थाना क्षेत्र में 28 तारीख को कॉटन से भरा हुआ एक ट्रक चोरी गया था, जिसकी कीमत लगभग 28,00,000 थी। इस घटना को देखते हुए विशेष टीम बनाई गई थी, जिसमें थाना प्रभारी करही दीपक यादव, थाना प्रभारी बलवाड़ा, SDOP बडवा, इनकी टीमें लगाई गई थी। ये जो 28,00,000 की ट्रक चोरी का मामला था, इस केस में टीमों ने लगातार काम किया और 7 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इसमें से 2 आरोपी बड़वानी डिस्ट्रिक्ट के हैं, एक धार डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, एक देवास का है, एक विदिशा का है, तथा 2 आरोपी बलकवाड़ा क्षेत्र के खरगोन के रहने वाले हैं। ये 7 आरोपियों का, जैसा कि प्रेस नोट में मैंने बताया है, काफ़ी पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। एक प्रकार से मोडस ऑपरेंडी क्राइम करते हैं कि निमाड़ क्षेत्र में जो कॉटन का ट्रेडिंग होता है और व्यापारी जो कॉटन को ट्रक के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस ट्रक के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये ट्रकों को गायब करते हैं। ट्रकों को गायब करने के बाद जो उसका मूल्यवान कॉटन है, उसको दलालों के माध्यम से बेच देते हैं और ट्रक में आगजनी करके ये रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि ट्रक में एक्सीडेंटल आग लग गई है। कंडम कपास उसमें जला देते हैं और मूल्यवान कपास को बेच देते हैं, क्योंकि कॉटन जो व्यापारी ट्रांसपोर्ट करते हैं वो इंश्योर्ड रहता है, तो व्यापारी इंश्योरेंस क्लेम कर लेते हैं। जो गाड़ी जलती है वो गाड़ी इनकी इंश्योर्ड रहती है। इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण गैंग है और ये गैंग पूर्व में भी कई वारदातों में शामिल रहा है। इनके जो एक्टिविटीज़ हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश राज्यों में इनकी एक्टिविटीज देखी गई हैं। कई थाना क्षेत्रों के अपराधों में लोग फरार हैं। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 4 ट्रक जब्त किए गए हैं। 4 ट्रक के अलावा करीब 250 गठान कॉटन जब्त हुआ है। 2 फोर व्हीलर जब्त हुए हैं। इनके पजेशन से बड़ी संख्या में कैश, लगभग 7,00,000 से आसपास कैश जब्त हुआ है। इस प्रकार से पूरे ऑपरेशन में जो रिकवरी है, 1,20,00,000 के आसपास की रिकवरी हुई है। पूरी टीम 28 तारीख से लेके अभी तक लगातार इंटरेस्टेड ऑपरेशंस कर रही थी। बहुत ही सफलतापूर्वक इन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से जो प्रमुख आरोपी हैं, उनको उन्होंने रिमांड पर लिया है और पूरे इस नेक्सस के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अन्य राज्यों की पुलिस को भी हम लोग सूचित करेंगे, क्योंकि इस प्रकार का जो मोडस ऑपरेंडी क्राइम है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।